नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और सुनिए, भले इनको एक ऐतिहासिक बहुमत लेकर आए थे, पर विरासत में उन्हें क्या मिला था? एक भ्रष्ट सिस्टम जिसमें था ऊपर से लेकर नीचे तक ढेर सारा करप्शन, जिसकी वजह से न लोगों को उनके हक के पैसे मिलते थे, न गरीबी देश से। देखिए, लोकसभा का जैसे चुनाव है, मोबाइल वो इस चुनाव में प्रचार के साधनों के नाते से कई प्रकार के प्रचार के जो साधन है वो बनाए जा रहे हैं। उसमें सारे देश भर में वीडियो रथ ये भी चलाने का कार्यक्रम है। हर एक लोकसभा में तीन तीन वीडियो रथ किए जाने वाले हैं। आज अभी जिसमें से चार लोकसभा क्षेत्रों के 8 वीडियो रथ यहाँ से रवाना किए गए हैं। इसी प्रकार बाकी भी लोकसभा क्षेत्रों में सब जगह कहीं आज कहीं कल ये सब वीडियो रथ रवाना किए जाएंगे। इसके अंदर एक LED स्क्रीन लगातार चल रही है, जिसमें केंद्र सरकार की हमारी उपलब्धियाँ, प्रदेश सरकार की हमारी उपलब्धियाँ, बड़े नेताओं के भाषण, नरेंद्र मोदी जी के भाषण, अमित शाह जी के भाषण, और जो जो जिस जिस क्षेत्र के लिए उपयुक्त सामग्री है वो सामग्री इसके अंदर दिखाई जाएगी, ताकि लोगों को जन जागरण करके और आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव के लिए उनको प्रेरित किया जाए। चर्चाएं थी कि कांग्रेस का JJP और आपके साथ गठबंधन होगा, लेकिन कल हमारे साथ कांग्रेस का आम आदमी का लेकिन नहीं हुआ वो, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिनकी जमीन खिसकती है गठबंधन वही करते हैं, इसलिए उन गठबंधनों के आधार के ऊपर वो अपना आइडेंटिटी को बनाए रखना चाहते हैं, जबकि किसी प्रकार की अब राजनीतिक उनकी आइडेंटिटी बचने वाली नहीं है। जो गठबंधन हुआ है उसके भी पल्ले कुछ नहीं है, और जो गठबंधन नहीं भी किया है तो उन्होंने भी कोई ऐसा तो राजनीतिक बड़ा काम नहीं है जिसके कारण से कोई इस प्रकार का उनको कोई उपलब्धि प्राप्त हुई हो। कुल मिलाकर के विपक्ष बिखरा भी है, जहाँ गठबंधन भी कर रहे हैं वहाँ भी इनके जनता इनको किसी प्रकार का समर्थन देने वाली। सीएम साहब, कांग्रेस अभी अपने प्रत्याशी बाकी नहीं पत्ते खोल रही है, उसमें क्या कहना चाहेंगे? हमारा कहना, जल्दी से जल्दी अगर वो घोषित करेंगे तो कम से कम जो ये आपस में चुनाव लड़ने की जो एक सिस्टम होता है उधर और रुचिकर बनेगा। जल्दी कर रहा है सीएम साहब। एक पन्ना प्रमुख सम्मेलनों में एक वीडियो वायरल हो रहे हैं, सुरेश भट्टी का हिसार से वीडियो वायरल हुआ, पिछले दिनों कुछ और नेताओं के वीडियो वायरल हुए, जिसमें कार्यकर्ताओं को ये सिखाया जा रहा है कि मरे हुए के वोट भी हैं, बाहर जो गए हैं वो भी वोट उनके भी। गलत तथ्य दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। उन्होंने तो यही कहा है कि वोट लिस्ट के ऊपर प्रचार करनी चाहिए, जिनके जिनकी डेथ हो गई है उनके टिक मार कर लेना चाहिए, ताकि उनका गलत वोट न भुगते। हाँ, जो लोग आज यहाँ नहीं बाहर चले गए हैं उनको वहाँ से ला करके और अपने पक्ष में वोट भुगतान कराना चाहिए। ऐसे दो बातों को मिक्स करके किया जा रहा है, जो अच्छा नहीं है। और इस प्रकार के हमारे संघ मंत्री ऐसी भावना बिल्कुल कभी नहीं रहती है कि हमने कोई बोगस पोलिंग करानी है, लेकिन जो लोग यहाँ नहीं रहते हैं, अपने घरों को छोड़कर कहीं और रहते हैं लेकिन वोटर लिस्ट में यहाँ नाम है, उनको बुला करके अपने पक्ष में वोट कराया जाए। इतना सब कर्मचारियों का, पुलिस कर्मचारियों का वोटिंग के लिए कोई प्रोसेस अच्छा है कि काफ़ी लोग हैं नहीं डाल पाते वोट, उनके लिए कोई नई कोई नीति बनाई है कोई कुछ नहीं? वो चुनाव आयोग ने कोई बनाई होगी तो हमें मालूम नहीं, लेकिन उनके लिए जो बैलेट पेपर दिया जाता है, जो सर्विस के लोग होते हैं उनको अपना बैलेट दिया जाता है, वो पहले से डालते हैं। उनकी जो भी व्यवस्थाएं हैं कर्मचारियों की वो अलग से। तो मोदी जी आएंगे हरियाणा में, कोई प्रोग्राम बने हैं अमित शाह जी के? कुछ अमित शाह जी के, मोदी जी के प्रोग्राम बन रहे हैं, और मैं समझता हूँ जैसे चुनाव का प्रचार शुरू हो जाएगा 1 मई के बाद और 10 मई तक ये सारे कार्यक्रम करनाल में भी संभावित है, अलग अलग स्थान प्रस्तावित हैं, जब तक फाइनल नहीं होगा तब तक। सीएम साहब, गठबंधन को लेकर आपने अभी कहा है, लेकिन गठबंधन आपका भी तो अकाली दल के साथ? हमारा गठबंधन नहीं है, अकाली दल ने हमको कहा है कि हम बिना शर्त सपोर्ट करें। ठीक है।